आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तुम मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 6-07 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे उस वक्त चीनी दूतावास के अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेपाल पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रैवल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं ये दोहरा दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन उसका FCRA रजिस्ट्रेशन
चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नायक ने किस मकसद के लिए दिया था? इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद।